हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। गदर 2 की रिलीज पर रात भर रोते और हंसते रहे सनी देओल। आखिर सनी देओल फिल्म को लेकर क्या बोले? तो दोस्तों, यह जानने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो डालने का मौका देता है। सनी देओल ने बताया कि वह गदर 2 की रिलीज को लेकर टेंशन में थे। बोले, फिल्म को लेकर मैं डरा हुआ था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हो गई तो पूरी रात सिर्फ रोते और हंसते रहे। सनी देओल ने कहा कि ये खुशी के आंसू थे। सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस से लेकर थिएटर्स में गदर मचा दिया है। हर तरफ फिल्म के साथ साथ तारा और सकीना की तारीफ हो रही है। एक बार फिर थिएटर्स में वैसा ही माहौल देखने को मिल रहा है जैसा 22 साल पहले गदर एक प्रेम कथा की रिलीज होने पर देखा गया था। गदर 2 11 अगस्त को रिलीज हुई थी और 3 दिन में ही यह 100 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गई है। सनी देओल और फिल्म की पूरी टीम की खुशी का ठिकाना नहीं है। हालांकि गदर 2 की रिलीज से पहले सनी देओल डरे हुए थे। फिल्म की रिलीज वाले दिन पर रात भर हंसते और रोते रहे। सनी देओल और गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने हाल ही में फिल्म की सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। इस दौरान सनी देओल ने बताया कि उनका गदर 2 की रिलीज वाले दिन कैसा हाल था, साथ ही बताया कि उन्होंने पापा धर्मेंद्र से क्या बोला था। सनी देओल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, थैंक यू तारा सिंह को, आपने फिर से जिंदा कर दिया। मैं शुरू में घबरा रहा था, डर रहा था कि गदर का स्वाद खराब हो जाएगा। सनी देओल ने बताया कि गदर 2 की रिलीज पर वह पूरी रात रोते और हंसते रहे। पापा धर्मेंद्र से जुड़ा मजेदार किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा, फिल्म की रिलीज से पहले मैं बहुत तनाव में था। जब फिल्म रिलीज हुई तो मैं पूरी रात रोया और हंसता रहा। पापा मेरे पास ही थे और उन्होंने मुझे देखा। मैंने उनसे कहा कि मैंने पी नहीं है, मैं खुश आकी करा, मैं खुश हूँ, मैं क्या करूँ। एक्टर ने आगे कहा, पापा ने फिल्म की थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी और उसमें उनका अच्छा सा रोमांटिक सीन है, तो हमारे जीन्स ऐसे ही हैं। सनी देओल ने इसके साथ ही दर्शकों से रिक्वेस्ट की कि वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड ना बोले। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री बॉलीवुड हो गई है, किसी और का नाम क्यों लेना, आप जो हैं उस पर ही गर्व करो, शर्म महसूस मत करो, हम किसी से कम नहीं। फिल्म मेकर्स, आप हिंदुस्तान को अच्छी तरह से समझें। मैं अपने फैंस से वादा करता हूँ कि ऐसी ही अच्छी फिल्में बनाऊंगा। गदर 2 11 अगस्त को रिलीज हुई थी। इसमें अमिता पटेल, गौरव चोपड़ा, सिमरत कौर, मनीष बाधवा, लव सिन्हा और उत्कर्ष शर्मा भी नजर आए। फिल्म की दहाड़ बॉक्स ऑफिस पर जारी है। गदर 2 ने 3 दिनों में 134 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।